नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर ने हाल ही में सीनियर रेजिडेंट के कुल मिलाकर 119 पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास DNB, MS, MD, MCH में डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए निर्धारित उम्र सीमा की बात करें तो यह अधिकतम 45 साल तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10/2/2021 तक एम्स जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsjodhpur.edu.in पर कर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 144 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,58,883 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 53 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अरवल में 11 और गया में 10 मामले सामने आए हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश ने किया ऐलान। बिहार में बहुत जल्द ही कैबिनेट विस्तार का काम होने वाला है। भाजपा की तरफ से पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है। बीते दिन भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन और VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने विधान परिषद के लिए नामांकन दर्ज कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट पर लगा ग्रहण अब खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, नामांकन के बाद शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाई भी कहा है। 15 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बिहार के 15 जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पटना समेत 15 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण मध्य भाग, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। और यही कारण है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया में कोल्ड डे घोषित किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन 24 घंटे में लोगों को ठंड से बचे रहने की नसीहत दी गई है। कुशेश्वर स्थान सहित 25 चौरों का बिहार सरकार करेगी कायाकल्प। राज्य के पहले चरण में दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान, वैशाली जिले में बरेला, बेगूसराय जिले में कावर, कटिहार जिले में गोगा बिल सहित 100 हेक्टेयर से बने लगभग 25 चौरों का कायाकल्प होगा, जिसकी प्रक्रिया इसी साल ही पूरी होने वाली है, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से 100 हेक्टेयर से बने अन्य 108 चौरों का कायाकल्प भी शुरू होगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने योजना तैयार कर ली है। इसके तहत सभी चौरों की सफाई होने वाली है। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग डेट जारी करने की मांग को लेकर पटना पहुंचे हजारों अभ्यर्थी। बिहार के अलग अलग शिक्षकों का विरोध सामने आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के अलग अलग जिले से हजारों शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार पटना पहुंचे सभी शिक्षकों की यह मांग थी कि नियोजन प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें, और यही कारण है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी बीते दिन पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि हमें सरकार की मंशा पर संदेह है कि आखिर क्यों सरकार ने अब तक काउंसलिंग की डेट जारी नहीं की है। क्या सरकार पटना हाईकोर्ट से भी ऊपर है? बिहार में इस साल आएगी नौकरियों की बहार। बिहार सरकार इस बार नौकरियों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है, और यही कारण है कि इस साल बिहार में नौकरियों की बहार देखने को मिलने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस साल अलग अलग विभाग में कुल मिलाकर 9,543 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं ली जा चुकी है। साल भर के अंदर ही अब इन पदों पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। डुमरिया पुल की हालत का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान। डुमरिया में गंडक नदी पर नए सेतु के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जर्जर पुराने सेतु और नए सेतु के अधूरे निर्माण की स्थिति को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी अब गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारी को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। NH-28 के अंतर्गत गंडक नदी पर 1974 में बना पुल जर्जर हो चुका है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के तहत डुमरिया में NHAI की दूसरी लेन में नए सेतु का निर्माण 2011 से बंद है। नतीजा यह है कि दोनों लेन का लोड भी जर्जर पुराने सेतु पर है।
शाहनवाज हुसैन ने बिहार से लगाव कभी कम नहीं होने की कही बात। बीते दिन शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दर्ज किया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार से लगाव कभी कम ही नहीं हुआ था और ना ही कभी होगा। जब तक जिम्मेदारी मिलती रहेगी तब तक उसका निर्वहन भी करता रहूंगा। मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही शाहनवाज पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाते हुए बाहरी होने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर शाहनवाज ने यह बयान जारी किया है। बिहार में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मेमू, डेमू और लोकल ट्रेन शामिल है, जिनके लिए अब यात्री आसानी से मासिक सीजन टिकट भी करवा सकते हैं। पूर्व मध्य रेल ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि कोरोना को लेकर अभी स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। ऐसी ट्रेनें आरक्षित है और यही कारण है कि मासिक सीजन टिकट का उपयोग केवल अनारक्षित ट्रेन के लिए ही किया जा सकता है। प्रवासियों को ध्यान में रखकर सीएम आवास पर बनाए जाएंगे टास्क फोर्स। प्रवासी बिहारियों को लुभाने की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। इन्हीं प्रवासियों को लुभाने के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद 15 साल के मुख्यमंत्री काल में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में ही विशेष टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। इस बाबत मुख्यमंत्री के नजदीकी और पूर्व मंत्री संजय झा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अभी प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद भी किया है और उनके लिए मुख्यमंत्री आवास में विशेष टास्क फोर्स भी बनाने की तैयारी हो गई है। रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा तख्त श्री हरिमंदिर जी गुरुद्वारा। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पटना साहिब पूरी तरीके से सज धज कर तैयार नजर आ रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा को रंग बिरंगी दुधिया लाइट से सजा दिया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। वहीं 354वें प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरु पर्व मनाया जाएगा। 18 जनवरी को बड़ी प्रभात फेरी के साथ प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जबकि 19 जनवरी को गायघाट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला जाएगा और मुख्य प्रकाश पर्व का आयोजन 20 जनवरी को पटना साहिब गुरुद्वारा में किया जाएगा। सब्सिडी पर बिहार में सोलर पंप लगाए जाने की तैयारी हुई शुरू। बिहार में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं सिंचाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से करवाने के लिए केंद्र के सहयोग से सरकारी सब्सिडी देकर कई चरणों में 30,000 सोलर पंप लगाने की योजना तैयार की जा रही है। इस पर सरकार की मंजूरी मिलने से राज्य सरकार को कम से कम 25 साल तक डीजल सब्सिडी सहित सिंचाई के लिए बिजली पर सब्सिडी देने से राहत मिल सकेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार के पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य में 30,000 सोलर पंप लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कई हजार मामले अभी भी है लंबित। कोरोना संक्रमण काल में रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदकों ने भारी संख्या में आवेदन किया था। हालांकि सरकार रोजगार के तमाम दावे करती आई है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रोजगार पाने की उम्मीद में पूरे बिहार में कुल 11,000 से अधिक मामले लंबित है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले और चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक केवल 30% आवेदनों को लोन के लिए बैंक ने हरी झंडी दी है। इस मामले में सबसे हैरतपूर्ण जानकारी यह है कि लंबित मामलों में करीब 5,000 आवेदन पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के हैं। इस योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग विकास ने प्रदेश के उद्योग सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि अपने राज्य में जिला उद्योग केंद्र के पास कई हजार से अधिक मामले लंबित है, जिनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। 2 मार्च को प्रकाशित होगी मतदान केंद्रों की सूची। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी है। इन्हीं तैयारियों के बीच मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 2 मार्च 2021 को प्रकाशित की जाएगी। मतदान केंद्र बनाने और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 20 से 27 जनवरी तक जारी रहेगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत जर्जर मकानों को मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। निजी मकानों की जगह सरकारी या सार्वजनिक भवनों का चुनाव होगा और पहले के मतदान के दौरान जो केंद्र विवादित रहे हो उन्हें इस बार मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब आज के दिन जीता था। 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म आज के दिन हुआ था। 1935 में बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चैटर्जी का जन्म आज के दिन हुआ था। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्रनाथ टैगोर ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था।
वैशाली के विश्व शांति स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शांति का प्रतीक विश्व शांति स्तूप वैशाली का एक अनूठा घटक है जिसका निर्माण जापानी बौद्ध के निपोंजन महायोजी संप्रदाय ने करवाया था। इस स्तूप का व्यास 65 फीट का है और इसके स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफी सामान रखा है। यह स्थान हमेशा सद्भाव और बुद्ध के सिद्धांतों का स्थल है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का आह्वान देता है। जदयू ने किया तेजस्वी पर पलटवार। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर जदयू और राजद एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपराध को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हावी होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब जदयू ने तेजस्वी को निशाने पर लिया है जिसके तहत प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने विपक्ष के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव द्वारा अपराध का ढोल पीटा जाना महज दिखावा है। जो जिसका प्रोडक्ट होता है वो उसी का प्रचार करता है। तेजस्वी परिवार का प्रोडक्ट है क्राइम और वो क्राइम के ब्रांड एम्बेसडर है जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोडक्ट सुशासन गुड गवर्नेंस है। नीतीश कुमार पूरे देश में गुड गवर्नेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए बिहार के निजी अस्पताल के कर्मियों को मिली राहत। बिहार में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। वहीं टीकाकरण के पहले दिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का काम किया गया था। हालांकि कुछ स्वास्थ्य कर्मी इस दौरान अपना नाम कोविन पोर्टल पर नहीं निबंधन करवा सके थे। ऐसे निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण 3 चरणों के बाद अंत में होगा जिसके बाद वो सामान्य लोगों के साथ होने वाले टीकाकरण के दौरान अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जो सामान्य जनों को करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि करण में सभी सरकारी अस्पतालों के साथ सिर्फ वही निजी अस्पताल के कर्मी शामिल हैं जो बिहार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधित है। बिहार के कोसी और सीमांचल के जिलों में तैयार हो रहा है रोड नेटवर्क। पूर्णिया कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में नेशनल हाईवे का जाल बिछने का काम किया जा रहा है। इससे झारखंड, बंगाल और नेपाल की राह आसान होने वाली है। दोनों प्रमंडलों की 2 करोड़ आबादी नेशनल हाईवे बनने से लाभान्वित होगी। इसमें कोसी और सीमांचल के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। बिहार के सीमांचल और कोसी में 5,000 करोड़ से सड़क के जाल को बिछाए जाने से 2 करोड़ आबादी की चाल बदल जाएगी जिनमें नेशनल हाईवे 131A, नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 57A, नेशनल हाईवे 327E का काम चल रहा है। गवर्नर से तेजस्वी यादव ने की मुख्यमंत्री की शिकायत। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और सरकार अस्थि गुनहगारों को बचा रही है उसके बाद उनके पास सिर्फ यही विकल्प बच गया था कि वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जाहिर की है। महामहिम ने कहा है कि वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने की शिकायत। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ के सेविकाओं ने बीते दिन मगध प्रमंडल के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था जिसके परिणाम स्वरूप CDPO कार्यालय के समक्ष बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ के सेविकाओं की तरफ से एक दिवसीय धरना देते हुए सरकार के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी देखने को मिली। इस दौरान सेविकाओं ने बताया कि पूरे मगध प्रमंडल में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार की लचर व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हम लोगों को 6,000 का मोबाइल देकर 10,000 का बताकर सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। जो मोबाइल हमें दिया गया है वो 1 घंटे भी सही से नहीं चलता है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भड़के शेन वॉर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जा रहा है। टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 294 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत को ब्रिस्बेन टेस्ट और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए 328 रनों की जरूरत है। हालांकि बारिश के कारण मैच बीच में ही रोक दिया गया था। इस बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि टीम ने सीरीज जीतने के कई मौके खुद गंवा दिए हैं। उन्होंने इस बाबत कहा कि मुझे लगता है कि भारत की टीम इस सीरीज में बेस्ट टीम रही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कई मौके थे सीरीज को जीतने के जिसका वो फायदा नहीं उठा सके। मुझे लगता है कि कई मौकों पर उनकी रणनीति अच्छी नहीं रही और जिसके लिए कप्तान टिम पेन जिम्मेदार है। वेब सीरीज तांडव को लेकर बिहार में मचा घमासान। अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज तांडव को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर परिवाद में 96 लोगों का नाम शामिल किया गया है। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा है कि इस वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जाति आधारित भेदभाव फैलाने वाले कई दृश्य हैं। बता दें कि इस वेब सीरीज तांडव
रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है और वेब सीरीज में कई अशोभनीय बातों और प्रधानमंत्री के गरिमामय पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का चित्रण खराब तरीके से करने के मामले में डायरेक्टर अली अब्बास जफर, निर्देशक हिमांशु कृष्णा मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल कॉन्टेंट इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ रविवार देर रात FIR दर्ज कराई गई थी। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया बयान। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी से निजता भंग होती है, इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। याचिकाकर्ता की मांग सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का कोई नोटिस न जारी करते हुए कहा है कि अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजयराज, मनीष सिंह, रविंद्र पासवान, ललित कुमार, रवि कुमार, शबनम कुमारी, राकेश कुमार, राहुल कुमार, सुबोध कुमार, ललित कुमार, सोनी कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, राजू कुमार, सुनील कुमार, गजेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अगर आपको बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मौजूदा हालात को देखते हुए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।